ये तो सचमुच वही जगह है। इसका मतलब इस प्राचीन मटके पर बना नक्शा बिल्कुल सही है। इस मूर्ति पर कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं है? जिसकी मुझे कब से तलाश थी। मंदार तू तो मशहूर हो गया, अब पूरी दुनिया तुझे जानेगी, पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा मंदार। ये क्या है? मुखौटा? ये वही चीज है जो मुझे मशहूर बनाएगी। नाम होगा, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। ये खुलता कहां से? कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। पार्टी में तुमसे ही मिलने आया हूँ, यू नो बहुत डेस्परेट लगेगा ना। अनन्या एक्चुअली मेरा जो दोस्त है ना विक्की, वो मुझे खींच के ले आया पार्टी में। यू नो मैं तो अवॉइड करता हूँ ना पार्टीज। लगेगा कितना बेवकूफ हूँ ना। अनन्या डू यू लाइक कॉफी? इवन आई लाइक कॉफी। डू यू वांट टू गो फॉर अ ड्रिंक? आई एम श्योर यू लाइक इट, राइट? आई विल गेट यू। लोफर लगूंगा, कैसे करूं? डायरेक्ट पूछ लूं जाके। अक्षय, हाउ कम यू हेयर? नॉट बैड। वो आजकल कॉलेज में भी नहीं देखते हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। हेयर नॉट बैड, एंजॉय द पार्टी।
बचेगा, सबको जलाकर राख कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। सिक्स कैजुअल्टीज, कोई नहीं बचा। Eighteen. Such youngsters. Doctor, cause of death. इनके मरने की वजह क्या थी? Third degree burns. Third degree burns? चेहरा जला हुआ है, बाकी की बॉडी पूरी सही सलामत। चेहरा इतनी बुरी तरह से जल गया कि बचने का कोई चांस ही नहीं। जयवंत, ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्हें इतनी बेरहम मौत मिली है, वो भी कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में? ये आइसोलेटेड केस नहीं ऑफिसर, मेरे पास ऐसा केस पहले भी आ चुका है। मुरार के जंगलों में दो पेशेंट मिले थे, एक की तो डेथ हो गई, दूसरा जिंदा है क्या? जी, लेकिन आईसीयू। आई आइए डॉक्टर। सी सर, हम इनसे मिल सकते हैं क्या? सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट स्पीक। जयवंत, ग्लोरिया कॉलेज में जाके पता चलेगा कि फ्रेशर्स पार्टी में हुआ क्या था। सर, इन्हें जैसी होश आए ना, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू, वेलकम। जयवंत, जल्द से जल्द हमें वहां पहुंचना है। क्या था जो हुआ? सच था क्या? नहीं नहीं, ये कोई बुरा सपना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा? नहीं, मैंने जरूर कोई सपना देखा होगा। हाँ, भयानक तो कोई सपना ही हो सकता है। मास्क, ये मास्क क्या? इसका मतलब ये सपना नहीं, सच था। नहीं, मैंने इतने लोगों की जान ले ली। नहीं, ये मैंने क्या किया? क्या किया ये मैंने? ये क्या बन गया हूं मैं? क्या बन गया हूं मैं? ये वाह 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 वाह, जनाब अभी तक रात के कपड़ों में ही घूम रहे हैं? कॉलेज जाने की तैयारी की नहीं है अब तक? कॉलेज में जाने की तैयारी करेंगे कैसे? आंख देर से खुली होगी। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, कल रात को तो तू पार्टी पर गया था ना, तो पार्टी से देर से आया होगा, इसलिए आंख तेरी देर से खुली है ना। हाँ डैड। बकवास मत कर। हाँ डैड कहीं का, शर्म नहीं आती हाँ डैड कहते हुए? अरे तुझे समझा कर थक गया हूँ मैं। अरे सुधर जा, पटरी पर आ जा। अरे कब तक बाप के कमाए हुए पैसों पर अय्याशी करता रहेगा तू? कॉलेज जाने की तैयारी कर, अभी समझा कर। परेशान ये आजकल के बच्चे। हाँ डैड। छुट्टी मनाकर घर पर ही रहेगा, पार्टी और दोस्तों के अलावा किसी और चीज में मन तो लगता नहीं है जनाब का। बस निकल रहा हूँ। चलो जल्दी आओ नीचे। बस निकल रहा हूँ।
जयवंत, पता किया मैंने प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल का कहना है कि उनके कॉलेज ने कोई भी ऐसी फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि वो पार्टी प्राइवेट थी और उस पार्टी में कौन कौन आया था ये पता लगाना होगा सीनियर से। हाँ तो ठीक है, सीनियर से बात करके देखते। यू आर राइट। कॉलेज ही जा रहा है या? लगता है अभी तक नहीं सुधरा। हटो, हटो। एक कुछ तो बोल। अब ये कॉलेज नहीं मूवी देखने जा रहा होगा। क्यों बॉय? अरे इसके कॉलेज से क्या मतलब? क्यों मैं छोटू? कम ऑन कम ऑन। रुक। अरे रुक ना। क्या हुआ? अरे बहुत शर्मा लगता है। आइंदा किसी स्टूडेंट की रागी मत करना। सॉरी। हाय। तुमने बात की? नहीं। पर क्यों? अनु जरा सोचो, अभी हम कॉलेज के फाइनल ईयर में, राइट? मुझे सबसे पहले ग्रेजुएट होना है, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और अपने पैर पे खड़ा हो। यार राइट, पहले तुम्हें अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, उसके बाद सेटल होना है। हाँ तुम्हें ये सब मजाक लगता है? ऐसे एक झटके में हो जाएगा? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड देव, इसमें 5 साल लगेंगे और घर से मुझ पर अभी से इतना प्रेशर है कि तुम समझो मॉम डैड ने लड़का देखना शुरू कर दिया है। मजाक, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। फिर आना मेरे दूल्हे की बारात में नाचने। अनन्या, अक्षय, तुम यहाँ इस वक्त? अनन्या, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। क्या हुआ अक्षय? काफी दिन से सोच रहा था तुमसे बात करूं। इनफैक्ट कल पार्टी में भी आई ट्राइड कि तुम्हें बताऊं बट बोल ही नहीं पाया। क्या? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। व्हाट? हां, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वेट 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 अक्षय, तुम कहां जा रहे हो? लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैं देव से बहुत प्यार करती हूं और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले, तुम इतना आगे कैसे सोच सकते हो? लेकिन अभी तो तुम दोनों झगड़ रहे थे ना अक्षय। वो वेट, क्या बोला तुमने? आर यू आउट ऑफ योर माइंड अक्षय? तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? दैट्स व्हाट। नहीं नहीं, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैंने सिर्फ तुम दोनों को देखा बस। अक्षय, जहाँ रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देव को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगूंगी। समझो इस बात को, मैं तुम्हें असली में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। देखो अक्षय, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे दोस्त हो और हमारे बीच इतना ही रहे तो अच्छा है। ओके? अपना ख्याल रख। ये सब हरकतें शुरू कर दी तुमने? हाँ, रात को छुप छुप कर लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हो बेडरूम में? छी,
अरे मैंने नीचे से देखा कि तुम्हारे बेडरूम की लाइट ऑन है, तो मैंने सोचा कि तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, मगर नहीं, पढ़ाई नहीं, ये नया शौक पाल लिया है तुमने है? अरे अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, पटरी पर आ जाओ और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बस बस करो ये रोज का लेक्चर।